हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल समीकरण या मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल समीकरण, ठीक है, इसको अपन समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन यहां पर इसकी ट्रिक्स देखेंगे कि ट्रिक के आधार पर अपन कैसे समझ सकते हैं, और उसके बाद में इनके अपन डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले ट्रिक समझते हैं अपन इसमें। तो देखो, ट्रिक्स देखो इसकी। तो जैसे मान लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार ब्रेक, जैसे आप एक चीज ध्यान रखना कि दो सर्कल बनाए अपन, ठीक है, एक में प्लस साइन लगा देंगे और एक में अपन लगा देंगे माइनस साइन। दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट याद रखना। पहले यहां अगर अपन बात करें, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ये अपने पास पहले एक स्टेटमेंट है। इसमें अगर अपन देखें, इस एस से क्या मतलब है, एस मानी अपने पास होती है एंट्रोपी। पी की अगर अपन बात करें तो पी आपके पास हो जाएगा दाब या प्रेशर, ठीक है। टी को अगर अपन देखें तो टी आपके पास आ जाएगा कि क्या, ताप आ जाएगा। और वी की अगर अपन बात करें तो वी अपने पास क्या आ जाएगा, आयतन। क्लियर, ये चार रहेंगे। अगर मान लो आपके पास पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, तब तो अपने को चलना है क्लॉकवाइज। और अगर आप मान लो आपके पास नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तब आपको चलना है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां देखो, अब आप जैसे मान लो अपने को क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से अपन चलेंगे, तो जाएगा एस पी टी वी, प्लस साइन है। अगर माइनस साइन है तो अपन कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन लगाएं इसमें, तो यहां अपने पास आ जाएगा बेसिकली एस पी टी वी, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स, मतलब बेसिकली याद रखने के लिए है ये, आप ऐसे कह सकते हो कि डायरेक्टली कहीं पे यूज हो रही है तो अपन कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट, जैसे चारों साइन आ गए, अब आपको क्या बनाने, आठ ब्रैकेट बनाने हैं आपको, ठीक है। आठ ब्रैकेट कैसे, इस तरह से, दो चार ये हो गया, आठ ब्रैकेट हो गए अपने पास। यहां अगर अपन देखें फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, यहां पे डेल पी, ऊपर डेल पी, और यहां पे भी अपने को लगाना है डेल पी, यहां डेल पी और यहां डेल पी, ये अपन लगा देंगे, सही है। इसके बाद में यहां माइनस लगा दो और ये माइनस लगा दो, मतलब क्या करना है, शुरुआत की जो ऊपर की दो इक्वेशन है उसमें राइट साइड वाले में डेल पी, और जो लास्ट की दो इक्वेशन उसमें लेफ्ट साइड वाले में, नीचे वाले में डेल पी, पहले वाले पे माइनस साइन और चौथे वाले पर माइनस साइन, ये अपने को लगा दिया। अब जहां माइनस साइन है वहां चलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज, जहां प्लस साइन है वहां चलेंगे अपन क्लॉकवाइज। तो पहला पहला समीकरण कैसा आ रहा है आपके पास, माइनस का आ रहा है, तो माइनस में चलना कैसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चलना आपको। तो एस, जैसे देख लो पी से पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है। अब एस आता है तो एस को या तो आप यहां लिखोगे या फिर यहां लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं तो एस पी टी वी ऐसा आएगा, तो कौन सा वाइज हुआ, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अगर मैं एस को लिखता हूं एस पी टी वी, ये अपन एस चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया अपने पास। तो ऑब्वियसली एस कहां लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा। तो यहां पे अपन क्या कह सकते हैं, यहां आ जाएगा डेल एस पी टी और यहां आ गया वी, यहां एस कॉन्स्टेंट लगा दो या वी अपोजिट वाला कॉन्स्टेंट लगा दो, ये आपके पास आ गया। अब इसको देखो, यहां डेल पी है, अगर मैं एस यहां लिखता हूं तो ये बनेगा इस तरह से एस पी टी वी, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जबकि साइन कैसा है, यहां पर प्लस साइन है, तो प्लस साइन में अपन कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो एस यहां लिखेंगे अपन, देखो एस पी टी और वी, ये क्लॉकवाइज हो गया अपने पास। तो यहां टी आ जाएगा, यहां जाएगा आपके पास वी आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, यहां पे भी कैसे साइन है, ये प्लस साइन आ रहा है,
तो अपन कैसे चलेंगे, ऐसे चलना अपने को इस तरह से, तो एस पी टी वी, अगर एस यहाँ लिखते हो तो ये ऐसे बन जाता है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया अपने पास। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एस पी टी और आपके पास क्या आ जाएगा, ये वी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एस है उसको यहाँ कॉन्स्टेंट कर दो, यहाँ पे पी को कॉन्स्टेंट कर देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें अगर अपन देखें नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन में अपन कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस पी टी एंड वी, यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी। ये मैक्सवेल के चार समीकरणों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैक्सवेल के चारों समीकरण आ गए। अब एक स्टेटमेंट तो आपके पास ये हो गया, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। ठीक है, अब एक और, ये जो आज जो पढ़ा रहा हूं मैं बेसिकली, वो कंप्लीट ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी के बाद में अपने इसके डेरिवेशन भी करेंगे प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स के साथ। ठीक है, तो अब यहां देखो नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट जो अपने याद रखना है, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, ये आपके पास है। ठीक है, यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, मानी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, एफ एफ की अगर अपन बात करें तो एफ का मतलब है अपने पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। फिर एच अगर अपन देखें तो एच आपके पास आता है एंथैल्पी। ठीक है, और जी की अगर अपन बात करें तो जी अपने पास आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये चार चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब मैक्सवेल के जो समीकरण होते हैं उनके अवकल रूप अपन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, फिर उनके इक्वेशंस को अपन कैसे लेंगे वो समझते हैं। तो पहले तो इनके अवकल रूप देखो, अवकल रूप में अगर अपन देखें तो देखो सबसे पहले अपन लगाएंगे वही यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन और स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। तो देखो सबसे पहले यहां पे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी ये अपन लगा देंगे, फिर यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, याद रखना किस तरह से अपन चल रहे हैं, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन, यहां माइनस साइन लगाना है, यहां माइनस साइन लगाना है। क्लियर, फिर इनको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है, अब कैसे होगा वो समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यू से, अपन शुरुआत करते हैं, तो जो यू होगा वो वी और एस का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो सबसे देखो पहले तो आंतरिक ऊर्जा को अगर अपन देखें, इंटरनल एनर्जी की अपन बात करें तो पहले इक्वेशन आएगी U इज ए फंक्शन ऑफ S एंड V, S एंड V, तो इसको अपन लिखेंगे डी यू बराबर डी एस और डी वी। ठीक है, जो S आया DS ये हुआ, इस DS के अपोजिट वाला क्या है T, ये प्लस का माइनस का ये चेक कर लो, तो यहां पे प्लस का तो इसको अपन T से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप देखो यहां पर इस P के तो V आ रहा है डीवी, डीवी के अपोजिट में क्या आ रहा है P, और P को किसके साथ लेना है आपको, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो अपन कर देंगे इसको माइनस का P। ये आपकी पहली इक्वेशन होती है। अगर अपन रफली अगर अपन बात करें ना तो ये आपका जैसे पहला नियम भी हो गया थर्मोडायनेमिक्स वाला, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम रफली अपन देखें तो क्या होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू बराबर कितना आ गया डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर अपने पास होता है टी डी एस और डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है आपके पास पी डी वी। क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा अपने पास है एफ, एफ क्या है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, इसको अपन देखते हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं एफ किस किस का फंक्शन होगा, वी का और टी का फंक्शन होगा अपने पास एफ, तो एफ इज ए फंक्शन ऑफ वी एंड टी। तो यहां से अपन क्या कह देंगे जो डीएफ होगा एक तो डीवी का एक आ जाएगा आपके पास डीटी का, अब डीवी के अपोजिट में तो क्या आ रहा है माइनस का पी,
और डी टी के अपोजिट में क्या आ रहा है, माइनस का एस, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तीसरा अपन देखें, थर्ड, तो आपके पास कौन सा है, एंथैल्पी एच। एंथैल्पी देखें तो एंथैल्पी काय का फलन है, एस का और पी का, तो एच इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड पी। तो यहां से अपन डी एच लिखेंगे, कितना लिखेंगे, डी एस एंड डी पी। अब डी एस के मल्टीप्लाई में अपोजिट में क्या है, टी, तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, और डी पी के मल्टीप्लाई में क्या है, वी, तो यहां जाएगा आपके पास वी। आ गई एक और इक्वेशन, और जो लास्ट इक्वेशन आपके पास रहेगी, फोर्थ नंबर, वो कौन सी आ जाएगी अपने पास, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसको अगर अपन देखें तो जी किस किस का फंक्शन होगा, टी का और पी का, जी इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड पी, कह सकते हैं अपन। तो यहां से डीजी अगर अपन लिखते हैं, डीजी, तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा डीटी और एक आपके पास आ जाएगा डीपी। अब डीटी क्या है, ये वाला डीटी के जस्ट अपोजिट वाला क्या है, एस, और किस साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में, तो माइनस का एस डीटी। प्लस डीपी के अपोजिट वाला क्या है अपने पास यहां पर, वी, और प्लस साइन के साथ में, तो प्लस का वी डीपी। ये आपके पास आ गया गिब्स मुक्त ऊर्जा। चार इक्वेशंस आ गई, इनके अवकल रूप हो जाएंगे। इसी में एक और ट्रिक है, इनकी जो नॉर्मल इक्वेशंस होती है उनकी, तो नॉर्मल इक्वेशंस की ट्रिक देखो आप, आपको एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, जैसे अपने एक बॉक्स बना दिया इस तरह से, चार हिस्से करने अपने को इसको, ठीक है, यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तब करना है माइनस का टी एस, सही है, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, माइनस टी एस। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तब आपको करना है प्लस का पी वी, किसी भी साइड ले सकते हो आप, यहाँ आ जाएगा प्लस पी वी। तो जो U है, U का तो अपने पास जो पहला नियम है उससे आ जाएगा जो भी इक्वेशन आना है। अपन बात करते हैं F की, तो F को देखो आप ऐसे चल रहे हो तो कितना आ जाएगा, U माइनस टी एस, इसमें से ये माइनस कर देंगे। फिर अपन बात करते हैं H की, तो H को अगर अपन देखें तो अपन जाएंगे ऐसे, तो U और ऐसे आएंगे तो प्लस का पी वी आपके पास आ जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी को अपन देखें, तो जी को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे नीचे से आ सकते हो, एक आप ऊपर से आ सकते हो। अगर अपन नीचे से आए तो यहाँ पे पहले क्या है एच, और नीचे से लेंगे तो क्या आएगा माइनस टी एस, तो एच माइनस टी एस, और आप ऊपर से आ रहे हो तो ये तो आ गया एफ और प्लस का पी वी। एच का मान क्या है, यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, और एफ का मान कितना है, यू माइनस टी एस, तो यू माइनस का टी एस प्लस का PV। आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस क्या मिल रही है, सेम सेम मिल रही है अपने को, यहाँ से अपन अवकल रूप निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसका, ठीक है, ये नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब इसमें अपन प्रथम समीकरण का डेरिवेशन करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन या प्रथम समीकरण इसको अपन देखें, ठीक है, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे जो अपने पास ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसको अपन यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम क्या कहता है बेसिकली, ठीक है, आप अपने यहाँ कह सकते हैं कि जो dQ होता है वो dU प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ से डी यू का मान कितना आ जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, या फिर डी यू बराबर डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, टी डी एस, और डी डब्ल्यू को पी डी वी, ये अपन कह सकते हैं, इसको आप नंबर लगा दो एक। क्लियर। अब इसमें ये तो आप ऐसे कह दो, और जैसे अभी अपन देखा कि जो यू होता है बेसिकली एस और वी का फंक्शन होता है, उससे भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको कि यू जे फंक्शन ऑफ वी से भी अपन कह सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि देखो यहां से अपने को टी का और पी का मान निकालना है,
मैं बात करूं नियत आयतन पर, नियत आयतन पर, तो v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इस हिसाब से dv बराबर क्या हो गया? जीरो। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से t बराबर कितना आ जाएगा? डेल u अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v। सही है, इसको लगा दो आप दो नंबर। अब नियत एंट्रोपी पर इसके अपन बात करें, नियत एंट्रोपी पर, एंट्रोपी कांस्टेंट लेके चले अपन, मानी एस क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से डीएस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो। तो वही समीकरण एक से, तो समीकरण एक से यहां से पी का मान आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वी, और कांस्टेंट क्या हो गया आपके पास? एस। ये बात समझ में आई नहीं आई? नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो अब आपको क्या करना है, इस टी का जैसे यहां पे जो कांस्टेंट है ना उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो समीकरण दो का एस को नियत रखकर वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण दो का एस को नियत रखकर वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो डेल टी अपॉन डेल वी और एट कांस्टेंट एस, फिर किसके सापेक्ष करें अपन? वी के सापेक्ष किया, तो डेल अपॉन डेल वी यहां जाएगा डेल यू अपॉन डेल एस, ये कांस्टेंट वी था और यहां जाएगा कांस्टेंट एस। यहां अगर अपन लिखें तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो डेल टू यू अपॉन डेल वी डेल एस इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, नंबर चार। सही है, ऐसे ही अगर अपन यहां देखें कि जो आपके पास इधर रखा है तीन नंबर, इसमें अपन क्या करेंगे कि अब v को नियत रखकर s के सापेक्ष समीकरण तीन का v को नियत रखकर s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां अगर अपन अवकलन करते हैं तो देखो डेल पी अपॉन डेल एस और कांस्टेंट वी, माइनस साइन बाहर ले लो, तो डेल अपॉन डेल एस यह बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी, यहां एस और यहां जाएगा आपके पास वी, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कह देंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एस डेल वी माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, नंबर पांच, ये आपके पास आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि जो आंशिक अवकलन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मैं कह दूंगा कि चूंकि जो डेल टू यू अपॉन कौन सा डेल वी डेल एस इज इक्वल्स टू डेल टू यू डेल एस डेल वी, तो अतः समीकरण चार व पांच से, अतः समीकरण चार व पांच से क्या कह सकते हैं अपन यहां पर कि इन दोनों को बराबर कर दो, तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल्स टू
डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ये आपके मैक्सवेल का प्रथम समीकरण आ गया, और जो अपने ट्रिक्स से सोल्व किया था ये वो का वही है, ठीक है। ये अपने पास मैक्सवेल्स या मैक्सवेल प्रथम समीकरण, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, ठीक है। इसका सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण, वो देखो। द्वितीय समीकरण को अपन देखें, ठीक है। तो द्वितीय समीकरण में अपन लेंगे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एफ को अपन काम लेंगे, ठीक है। तो एफ की अगर अपन बात करें, अपन लिखे यहां पर हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा समीकरण से, तो वो होता है अपने पास एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। इसका यथार्थ अवकलन लो, यथार्थ अवकलन लेने पर तो डी एफ बराबर कितना जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस का एस डी टी, ठीक है। इसको दे दें एक नंबर, इसकी इसको एक दे दो, इसको दो दे दो आप। चूंकि डी यू बराबर कितना होता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाला, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। टी डी एस माइनस पी डी वी आता है समीकरण दो से, डी एफ बराबर टी डी एस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस का एस टी टी, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट। तो यहां से अपने पास आ जाएगा डी एफ बराबर माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। या आप चेक कर सकते हो, जो अपन ने अवकल समीकरण लिखे थे ये वैसा का वैसा ही आता है जो अपने ट्रिक्स में निकाला था, ठीक है ना। अब देखो वही, अब यहाँ पे एक बार वी को कॉन्स्टेंट करेंगे, एक बार अपन टी को कॉन्स्टेंट करेंगे। तो देखो नियत आयतन पर, सबसे पहले अपन देखें कि नियत आयतन पर तो वी क्या हो जाएगा आपके पास कॉन्स्टेंट, तो इस हिसाब से डीवी वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास जीरो, ठीक है। तो अतः समीकरण तीन से, अतः समीकरण तीन से, तो अगर डीवी वाली टर्म जीरो हो गई तो ये तो हट गई, तो एस का मान आ जाएगा आपके पास, तो एस का मान कितना आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, और क्या कांस्टेंट किया था अपन ने, वी को अपन ने कांस्टेंट किया, इसका नंबर लगा था चार। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब नियत ताप करेंगे इसमें, ठीक है। तो नियत ताप पर, तो अपन क्या कह सकते हैं टी बराबर कांस्टेंट, तो यहां से डी टी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास जीरो आ जाएगा, और डी टी बराबर अपने पास जीरो आ गया तो कौन सा समीकरण, वही समीकरण तीन से, अतः समीकरण तीन से। तो समीकरण तीन से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये टर्म अब जीरो हो गई, तो P बराबर कितना आएगा डेल F अपॉन डेल V, और वो भी कैसे साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, तो P बराबर आ गया माइनस का डेल F अपॉन डेल V, और क्या कांस्टेंट रहा अपने पास यहाँ पर T कांस्टेंट रहा नंबर पाँच। अब क्या करेंगे समीकरण चार का, V को नियत रखकर, सॉरी T को नियत रखकर V के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण चार का टी को नियत रखकर वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो यहां अगर अपन लिखें तो डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी, और क्या कांस्टेंट टी, तो यहां से क्या बनेगा माइनस को बाहर ले लो, तो डेल अपॉन डेल वी डेल एफ अपॉन डेल टी, यहां वी और यहां आ जाएगा आपके पास टी।
तो इस हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि जो डेल टू एफ अपॉन डेल वी डेल टी होता है, ये बेसिकली माइनस का डेल एस अपॉन डेल वी और एट कांस्टेंट टी, ये आपके पास आ गया नंबर 6। सही है। अब देखो 5 को देखिए, तो अब वी को नियत रखकर टी के सापेक्ष, ठीक है ना, समीकरण 5 में या 5 को, 5 का वी को नियत रखकर, वी को नियत रखकर टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ये अपने पास आएगा। ठीक है, तो यहां अपन करें तो टी के सापेक्ष करना है, तो डेल पी अपॉन डेल टी और क्या कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। सही है, यहां आ जाएगा माइनस को बाहर ले लो, डेल अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल वी, यहां टी है और यहां आ जाएगा वी। सही है, तो यहां से इसको अपन लिखें तो डेल टू एफ अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, नंबर 7। अब खुद देख सकते हो, जैसे अभी पहले बताया समीकरण 6 और 7 क्या होने चाहिए, अपने पास बराबर होनी चाहिए। और अगर अपन समीकरण 6 और 7 को बराबर करते हैं तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ये इक्वस टू ये, ठीक है। तो यहां अगर अपन लिखें तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, समीकरण 6 व 7 से यहां अपन लिखें, दोनों बराबर रहेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस डेल पी अपॉन डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और माइनस माइनस अपन क्या कर देंगे, प्लस। इसको अपन नंबर लगा देते हैं 8, यह आ जाएगा मैक्सवेल द्वितीय समीकरण। क्लियर, ठीक है ना, ये अपने पास आया। अब जैसे इसी में अगर अपन देखें मैक्सवेल का जैसे तीसरा और चौथा समीकरण अपन डिराइव करते हैं, तो मैक्सवेल का तृतीय समीकरण देखो, अब थर्ड, तृतीय समीकरण अपन देखें तो तीसरा समीकरण बेसिकली एच एंथैल्पी के लिए होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी की परिभाषा से अपन ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी की परिभाषा से एच इक्वल्स होता है यू प्लस पीवी। सही है, अब इसका अपन क्या कर देंगे, यथार्थ अवकलन करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का यथार्थ अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अगर अपन यथार्थ अवकलन करें तो कितना आ जाएगा, डी एच बराबर डी यू पी डी वी वी डी पी, ये अपने पास आया। इसको नंबर लगा देंगे अपन 2, क्योंकि जो डी यू होता है अपने पास वो टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, ठीक है, टी डी एस माइनस का पी डी वी, अतः समीकरण 2 से डी एच बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल आउट, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी। ये सेम वैसा ही समीकरण है जो अपने ट्रिक्स में पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें इसी में, तो देखो अब जैसे एक बार अपने को यहां से टी का मान निकालना है, एक बार अपने को वी का मान निकालना है, तो सबसे पहले अपन एस को नियत कर देंगे, उसके बाद अपन पी को नियत कर देंगे। तो देखो अब यहां पर
ठीक है, एस या आप ऐसे कह सकते हो नियत एस पर डीएस बराबर 0। तो अतः अपने पास समीकरण 3 से, अगर अपने यहां लिखें तो देखो क्या कह सकते हैं, जो एस कॉन्स्टेंट हो गया तो डीएस की टर्म, तो यहां से वी का मान आएगा कितना जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी। तो यहां से अपने पास आ जाएगा वी बराबर डेल एच अपॉन डेल पी और एट कॉन्स्टेंट एस, ये आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पी को नियत कर लो, नियत पी पर, नियत पी पर, तो अगर पी नियत है तो डीपी बराबर 0। तो समीकरण वही 3 से, तो समीकरण 3 से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से ये टर्म 0 हो गई तो टी का मान कितना जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस, टी बराबर डेल एच अपॉन डेल एस, और कॉन्स्टेंट क्या आ गया आपके पास, पी, यहां पे अपने पास आ गया नंबर 5। अब देखो इसका, अब पी को नियत रखकर एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसमें। समीकरण 4 का पी को नियत रखकर एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, तो किसका आ जाएगा यहां पे, डेल वी अपॉन डेल एस और कांस्टेंट पी, डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी, यहां एस और यहां आ जाएगा पी। सही है, इसको अपन क्या लिख देंगे, डेल टू एच डेल एस डेल पी बराबर डेल वी अपॉन डेल एस पी नंबर 6। सही है, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें ये अपने पास आ गया, अब जैसे यहां पे इसको देखेंगे अपन, तो इसमें क्या करेंगे अपन, समीकरण 5 का एस को नियत रखकर पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, समीकरण 5 का एस को नियत रखकर पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, तो देखो डेल टी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट एस, डेल अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल एस, यहां पी यहां एस, तो यहां से जाएगा डेल टू एच डेल पी डेल एस बराबर डेल टी अपॉन डेल पी पी एट कॉन्स्टेंट एस नंबर 7। समीकरण 6 व 7 बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से दोनों को बराबर कर दो, तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस बराबर कितना जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, ये अपने पास आ गया मैक्सवेल तृतीय समीकरण, ये अपने पास आ गया। सही है, अब नेक्स्ट अपन देखें इसमें, ठीक है, इसका फोर्थ इक्वेशन लास्ट चतुर्थ समीकरण, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो इसके लिए अपन गिब्स वाली टर्म यूज करेंगे, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा से, मुक्त ऊर्जा से जी इक्वल टू आपके पास होता है, अगर अपन देखें तो एच माइनस टी एक्स, ये होता है, और एच बराबर अपन जानते ही हैं, यहां से अगर अपन निकालें डी जी यथार्थ अवकलन करने पर, यथार्थ
अवकलन करने पर, तो जो dg होगा वो dh माइनस का tds माइनस का s dt। इसको एक नंबर दे दो, इसको दे देंगे अपन दो नंबर। अब चूंकि जो dh होता है अभी निकला tds प्लस vdp होता है, ठीक है, चूंकि dh बराबर tds प्लस vdp आता है समीकरण दो से, तो TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT, तो DG बराबर कितना बच गया VDP माइनस का SDT नंबर तीन। सही है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे अपन, एक तो V का मान निकालेंगे, एक अपन S का मान निकालेंगे। V का मान कब निकलेगा, जब T कांस्टेंट होगा, तो नियत T पर dt बराबर जीरो, तो समीकरण तीन से क्या कह सकते हैं अपन, ये जीरो हो गया तो v का मान आएगा डेल g अपॉन डेल p, और क्या कांस्टेंट रहा अपने पास यहां पर t कांस्टेंट रहा। फिर अपन बात करेंगे नियत p पर, नियत p पर तो dp बराबर क्या हो गया आपके पास जीरो, dp जीरो हो गया तो s का मान आएगा, तो s का मान कितना आ गया डेल जी अपॉन डेल टी और कांस्टेंट p विथ नेगेटिव साइन, ये आपके पास आ गया। सही है, अब इसका तो p को नियत रखकर t के सापेक्ष अंश का अवकलन करने पर समीकरण चार का p को नियत रखकर किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये अपने पास आया। ठीक है, तो देखो यहां बनेगा डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, फिर डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन डेल पी, यहाँ कॉन्स्टेंट टी है, यहाँ कॉन्स्टेंट पी आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि डेल टू जी डेल टी और डेल पी किसके बराबर आ जाएंगे डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के बराबर आपके पास आ जाएंगे नंबर छः। सही है, अब देखो समीकरण चार आ गया, अब पांच को देखो, अब टी को नियत रखकर पी के सापेक्ष जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, समीकरण पांच का टी को नियत रखकर पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है, तो देखो कितना बनेगा डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो फिर माइनस बाहर ले लो डेल अपॉन डेल पी डेल जी अपॉन डेल टी, यहां कांस्टेंट पी आ जाएगा, यहां कांस्टेंट आ जाएगा टी, तो यहां से अपन क्या कह देंगे डेल टू जी डेल पी जो डेल टी है वो माइनस का डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी के बराबर आ जाएगा नंबर सात। सही है, अब अगर अपन यहां देखें समीकरण छह व सात से, समीकरण छह व सात से दोनों क्या होंगे बराबर, इस माइनस को अगर अपन देखें तो डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर, यह माइनस साइन है, और डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इस माइनस को इस पे शिफ्ट कर दो तो डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस का डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये बेसिकली अपने पास मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अपन कह सकते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ पे ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, कर लो इसको।